राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सोनिया गांधी से मिलने जाते वक्त अपने साथ सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर आरोपों के दस्तावेज लेकर गए थे। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोनिया गांधी के बंगले पर जाते वक्त गहलोत के हाथ जो कागज कैमरों में कैद हुआ, उस कागज में पायलट कैंप पर गुंडागर्दी करने, बीजेपी से मिलीभगत करने से लेकर पार्टी छोड़ने तक का जिक्र है। गहलोत ने हाथ से लिखा हुआ कागज ले रखा था जिस पे माफी के साथ सचिन पायलट के खिलाफ विस्फोटक आरोपों के पॉइंट्स थे। कागज में लिखा था, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देगा, ऑब्जर्वर्स पार्टी के लिए अच्छा होता, 102 वर्सेस 18। इसका मतलब ये है कि उनके पास 102 विधायकों के समर्थन का दावा किया और पायलट के पास केवल 18 विधायक बताए। कागज में सबसे टॉप पर लिखा हुआ था, जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत दुखी और आहत हूँ। इसके बाद लिखा था, राजनीति में हवा बदलते देख RG एक घंटे PCP। इसके नीचे लिखा है, 102 वर्सेज SP प्लस 18। इसका मतलब है कि गहलोत ने खुद के पास 102 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है, जबकि सचिन पायलट के पास केवल 18 विधायक बताए। कागज में पायलट खेमे के खिलाफ सिलसिलेवार आरोपों के पॉइंट्स लिखे हुए थे। हालांकि इन पॉइंट्स का ज्यादातर का आधा हिस्सा ही कैमरे में आया है और बाकी का हिस्सा गहलोत के हाथ से ढक गया। उन पॉइंट्स को डिकोड करके यहां दिया जा रहा है। गहलोत ने लिखा था, पहला प्रदेशाध्यक्ष जिसने पद पर रहते बगावत की, हमारे पास 102 विधायक है जबकि पायलट के पास केवल 18। बीजेपी ने विधायकों को 10 से 50 करोड़ ऑफर किए, गुंडागर्दी की, विधायकों में भय का माहौल बनाया गया। आरोपों में पुष्कर की घटना और शकुंतला रावत का भी जिक्र है। आगे डोटासरा जी ने बताया और मानेसर लिखा हुआ है, पुष्कर में पिछले दिनों कर्नल किरोड़ी सिंह बेशला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान पायलट समर्थकों ने जूते उछाले थे और मंत्री शकुंतला रावत की हुटिंग की थी। इस पर अशोक चांदना ने पायलट के खिलाफ ट्वीट कर सीधे धमकी दी थी। अध्यक्ष पद के चुनाव से राजस्थान कांग्रेस के विवाद के हल का कनेक्शन जुड़ा है। नॉमिनेशन के बाद अब कल से राजस्थान विवाद को हल करने के लिए नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू होने की संभावना है। जयपुर में नए सिरे से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का वक्त तय हो सकता है। AICC की तरफ से पर्यवेक्षक भी नए सिरे से तय होंगे। अशोक गहलोत के कल के माफीनामे और उनके बयानों से साफ था कि विधायक दल की बैठक फिर से होगी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा। KC वेणुगोपाल ने भी कहा था कि राजस्थान पर एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।